औद्योगिक समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण विषय आज बाल श्रमिकों की समस्या के बारे में चर्चा करना है। जैसा कि कहा जाता है, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन, अर्थात बच्चा ही मनुष्य का पिता माना जाता है। लेकिन आज बाल श्रमिक किसी भी प्रतिष्ठान में, किसी भी उद्योग में कार्य करता है, जो कि समाज के लिए एक काला धब्बा है, एक अभिशाप है। हालांकि सरकार ने निर्णय लिया कि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे चाय बगान में काम नहीं कर सकते हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे किसी उद्योग में नहीं काम कर सकते हैं और 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे किसी खान में काम नहीं कर सकते हैं। इसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि बाल श्रमिक कार्य करते हैं, जो समाज के लिए एक अभिशाप है। और जब तक इस पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा, तब तक इस तरह का कार्य होता रहेगा। हालांकि इसके अनेक कारण हैं। पहला कारण, भारतवर्ष एक गरीब प्रधान देश है और जो श्रमिक किसी भी प्रतिष्ठान या उद्योग में कार्य करते हैं, उन्हें कम मजदूरी मिलती है, जिससे उनके बच्चे बाल श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। सबसे पहले उनके लिए सोचना होगा, उनके बच्चों के भविष्य के लिए मुफ्त शिक्षा की ज़रूरत है। और जब तक ऐसा नहीं होगा, बाल श्रमिक कार्य करते रहेंगे। हमें उन्हें रोकना है। उनके भविष्य के लिए मुफ्त शिक्षा का शुरुआत करना होगा, तभी बाल श्रमिक का बंद होगा। और इस तरह से देखा जा रहा है कि अभी भी किसी भी प्रतिष्ठान, उद्योग या होटल में बाल श्रमिक के रूप में कार्य किया जाता है। इसे समाप्त करने की आवश्यकता है, तभी किसी भी परिवार का, समाज का, राज्य का और देश का विकास हो सकता है। क्योंकि जब तक एक सुयोग्य नागरिक नहीं बनेंगे, तब तक देश का कल्याण नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।